नमस्कार मित्रों, कंसेप्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों मित्रों, जो हमारा अभी टॉपिक चल रहा है इंडक्शन मोटर पे मल्टी चॉइस क्वेश्चन चल रहा है। पार्ट वन में हम मेन मेन थ्योरी के क्वेश्चन देख चुके हैं, अब आगे पार्ट टू में मेन मेन क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑन 3 फेज इंडक्शन मोटर पार्ट टू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दोस्तों, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर जो 500 आरपीएम पर गतिमान है, उसमें पोलों की संख्या कितनी हो गई यदि हमारी सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। तो दोस्तों ये सवाल निकालने के लिए हम जो सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला है उसका उपयोग करेंगे, उस स्लीप को हम नेगलेक्ट मानेंगे। तो हमारा सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला क्या है, एन एस इज इक्वल टू 120 एफ अपॉन में पी। यहाँ पे एन एस हमारे को 500 आरपीएम दे रखा है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो हम इससे कैलकुलेट करते हैं तो पोलों की संख्या आती है 12। तो दिए गए क्वेश्चन का राइट आंसर है 12। क्वेश्चन नंबर टू पे चलते हैं। यदि किसी 3 फेज इंडक्शन मोटर के चलते समय सिंगल फेजिंग होता है तो मोटर की दक्षता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन में दे रखे हैं कि मोटर 2 फेज मोटर की तरह चलेगी तथा सामान्य रूप से कार्य करेगी। ऑप्शन बी है, मोटर 2 फेजों पर चलेगी लेकिन किंतु लोड लेने में फेल हो जाएगी। ऑप्शन सी, 2 फेजों पर कंटिन्यू चलती रहेगी लेकिन अत्यधिक धारा लेगी और वाइंडिंग चल सकती है। ऑप्शन डी, चाल घट जाएगी और केवल 2/3 लोड ले पाएगी। दोस्तों यदि हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर रनिंग में और 1 फेज का फ्यूज उड़ जाए तो हमारी मोटर 2 फेज पर चलती रहेगी लेकिन लोड को सफिशेंट टॉर्क देने के लिए वह सप्लाई से अत्यधिक धारा लेगी, जिससे ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी और हमारी वाइंडिंग भी जल सकती है। अतः दिए गए क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। यदि किसी 3 फेज इंडक्शन मोटर के रनिंग के दौरान सिंगल फेजिंग होता है तो मोटर की दक्षता पर क्या प्रभाव पड़ता है। मोटर 2 फेजों पर कंटिन्यू चलती रहेगी लेकिन अत्यधिक धारा लेगी और वाइंडिंग भी जल सकती है। क्वेश्चन नंबर थ्री पे चलते हैं। आपको किसी मशीन के फाल्टी इंडक्शन मोटर को बदलना है। उपलब्ध मोटर की कैपेसिटी इस मोटर से अधिक है, तब इस हायर कैपेसिटी वाली मोटर के उपयोग से क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन में दे रखा है, नई मोटर अत्यधिक गर्म हो जाएगी, नई मोटर इस कार्य के लिए बेहतर उपयुक्त है। ऑप्शन सी है, दक्षता एवं पावर फैक्टर लो हो जाएंगे। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यदि हमारी कोई मशीन है और उसमें हमने एक निश्चित कैपेसिटी की मोटर इंडक्शन मोटर लगा रखी है और वो मोटर हमारी जल जाती है या ख़राब हो जाती है और हमें मोटर रिप्लेस करनी है, उस कंडीशन में यदि हमारे पास में हायर कैपेसिटी की इंडक्शन मोटर है और हम उसको लगाते हैं, तो दोस्तों एक तो हम उस मोटर की पूरी कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे और सामान्यतः जो मोटर रहती है उसको हम फुल लोड पर ही इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि फुल लोड पर उसका पावर फैक्टर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो। तो हायर कैपेसिटी की मोटर अगर हम लगा देंगे तो उसका पावर फैक्टर भी लो हो जाएगा। तो दिए गए क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सी, दक्षता एवं पावर फैक्टर निम्न हो जाएंगे। यदि किसी मशीन में हम हायर कैपेसिटी की मोटर यूज करते हैं तो उससे हमारी मोटर की दक्षता और पावर फैक्टर दोनों लो हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फोर पे चलते हैं। किसी इंडक्शन मोटर की सिंक्रोनस स्पीड किस स्पीड को इंगित करती है। रोटर की स्पीड को, आर्मेचर की स्पीड को, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड को, नेम प्लेट के ऊपर इंगित मान को। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो सिंक्रोनस स्पीड होती है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड होती है। तो दिए गए क्वेश्चन का हमारा राइट जवाब है सी, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। किसी इंडक्शन मोटर की सिंक्रोनस स्पीड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड को बताता है या इंगित करता है। क्वेश्चन नंबर फाइव पे चलते हैं। किसी इंडक्शन मोटर की स्लिप को कैलकुलेट करो। यदि इसमें 4 पोल, 50 हर्ट्ज और 1400 आरपीएम है, तो दोस्तों यहाँ पे हमें रोटर की एक्चुअल स्पीड दे रखी है 1400 आरपीएम, पोलों की संख्या दे रखी है 50 और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो सबसे पहले हम इसमें सिंक्रोनस स्पीड याद करेंगे। सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला हमारा एन एस इज इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी, जिससे हमारा सिंक्रोनस स्पीड आता है 1500 आरपीएम। दोस्तों अब स्लिप परसेंटेज स्लिप का हम सूत्र जानते हैं कि परसेंटेज स्लिप इज इक्वल टू एन एस माइनस एन अपॉन में एन एस इंटू में 100। तो दिए गए फार्मूले में हम एन एस और एन का मान रख देंगे, जो 1500 माइनस 1400 अपॉन में 1500 और इंटू में 100। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर आता है 6.6%।
तो दिए गए क्वेश्चन का राइट आंसर है 6.6%। दोस्तों इस तरह के न्यूमेरिकल की आप प्रैक्टिस कीजिए, ये न्यूमेरिकल इस प्रकार के एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं, या तो सिंक्रोनस स्पीड पे या स्लिप के ऊपर, इनकी आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। किसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर में घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र किसके कोण पर प्रतिस्थापित होता है? यानी कि एक हमारी थ्री फेज इंडक्शन मोटर है जिसमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसमें तीनों फेज के तीन फील्ड होते हैं आर वाई बी के कारण। तो तीनों फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में 120 डिग्री का अंतर रहता है, यानी कि 120 डिग्री पे डिस्प्लेसमेंट होता है। तो दिए गए क्वेश्चन का राइट आंसर है डी 120 डिग्री। किसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड 120 डिग्री के कोण पर प्रतिस्थापित होते हैं। निम्न में से कौन सा थ्री फेज मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है? ऑप्शन में है सिंक्रोनस मोटर, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, वुंड रोटर मोटर, डबल केज मोटर। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो सिंक्रोनस मोटर है वो सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं होता है। तो दिए गए क्वेश्चन का राइट आंसर है ए सिंक्रोनस मोटर, सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। कॉन्स्टेंट स्पीड वाले लोड के लिए कौन सी मोटर उपयुक्त है? सिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर मोटर, डबल केज मोटर। दोस्तों जो हम जानते हैं कि जो इंडक्शन मोटर होती है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है बिल्कुल शंट मोटर की तरह होता है, मतलब कि नो लोड से फुल लोड तक जो स्पीड लॉस होता है वो 1 से 2.5% तक ही रहता है। तो दिए गए क्वेश्चन का राइट आंसर है बी इंडक्शन मोटर, इसकी बाकी मोटरों से भी कॉस्ट काफ़ी कम रहती है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। किसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस स्पीड पर गति करता है? तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो थ्री फेज स्टेटर में जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो सिंक्रोनस स्पीड से घूमता है। तो दिए गए क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सी सिंक्रोनस स्पीड। किसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र सिंक्रोनस स्पीड पर गति करता है या घूमता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। किसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर के स्लिप का सूत्र है? तो दोस्तों हम जानते हैं जो स्लिप का सूत्र रहता है वो एस इज इक्वल टू एन एस माइनस एन आर अपॉन में एन एस। तो दिए गए क्वेश्चन का राइट आंसर है ए स्लिप इज इक्वल टू एन एस माइनस एन आर अपॉन में एन एस। परसेंटेज में निकालना है तो इसी को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। किसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर में उत्पन्न टॉर्क का मान क्या होगा? दोस्तों हमने देखा था पिछले वीडियो में जो टॉर्क रहता है दो फ्लक्स के बीच में इंटरेक्शन के कारण पैदा होता है। तो दिए गए ऑप्शन में हमारा राइट आंसर है ए टी इज इक्वल टू फाइव एस इंटू आई आर कोज फाइव। फाइव एस हमारा स्टेटर का फ्लक्स है, आई आर हमारा रोटर का करंट है, और हम जानते हैं कि जो फ्लक्स होता है वो करंट के समानुपाती होता है। तो दिए गए क्वेश्चन का राइट आंसर है टी इज इक्वल टू के इंटू फाइव एस इंटू आई आर कोज फाइव। वो जो ये फाइव हमारा पावर फैक्टर एंगल है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। किसी छोटे क्षमता वाले प्रेरण मोटर के लिए कौन सा स्टार्टर प्रयुक्त होता है? स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर, रोटर प्रतिरोध स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। दोस्तों हम जानते हैं कि 3 से 5 HP की जो मोटर रहती है सामान्यतः उनके लिए हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का ही प्रयोग करते हैं। तो दिए गए क्वेश्चन का राइट आंसर है डी डायरेक्ट ऑनलाइन DOL। किसी छोटी कैपेसिटी वाली इंडक्शन मोटर के लिए प्रयुक्त स्टार्टर हमारा डायरेक्ट ऑनलाइन टाइप के स्टार्टर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से चलाए गए किसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर में शॉर्ट सर्किट करंट किसके द्वारा सुरक्षित रहता है? दोस्तों डायरेक्ट ऑनलाइन में हम सीधे ही फुल वोल्टेज मोटर को अप्लाई करते हैं, इसके प्रोटेक्शन के लिए हम फ्यूज का प्रयोग करते हैं। तो दिए गए क्वेश्चन का राइट आंसर है सी बैकअप फ्यूज। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से चलाए गए किसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर में शॉर्ट सर्किट करंट
बैकअप फ्यूज द्वारा सुरक्षित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। 3 HP से अधिक क्षमता वाली प्रेरण मोटर को सीधे ही डायरेक्ट ऑनलाइन से चलाने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि ऑप्शन में दे रखे स्टार्टिंग बल आघूर्ण कम होता है, मोटर अपने फुल लोड से 5 से 7 गुना अधिक करंट लेती है, तीसरा मोटर बहुत अधिक स्पीड पकड़ सकती है, चौथा यह रिवर्स स्पीड में भी रिवर्स डायरेक्शन में भी चल सकता है। तो दोस्तों दिए गए क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। जब हम डायरेक्ट ऑनलाइन पे मोटर को स्टार्ट करते हैं तो मोटर अपने फुल लोड धारा से 5 से 7 गुना अधिक करंट लेती है, जिससे हमारी मोटर ओवरहीट हो सकती है और हमारी वाइंडिंग भी जल सकती है। इसलिए उच्च कैपेसिटी वाली मोटर को हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से स्टार्ट ना करते हैं। सामान्यतः उच्च क्षमता वाली मोटर को चलाने के लिए हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। स्टार कनेक्शन में हम मोटर को स्टार्ट करते हैं, बाद में डेल्टा में उसको मोटर को रन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। स्टार्टर के स्विच को ऑन करने पर मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर तेज़ी से ओसिलेट करता है, इसका कारण क्या है? हाई वोल्टेज, कॉन्टैक्ट सरफेस पर गंदगी या डर्ट होने का कारण, लो वोल्टेज एवं सिंगल फेजिंग। ऑप्शन डी है, लो वोल्टेज एवं कॉन्टैक्ट सरफेस पर गंदगी होने का कारण। तो दोस्तों दिए गए क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, लो वोल्टेज एवं कॉन्टैक्ट सरफेस पर गंदगी होने के कारण। हमारा जो कॉन्टैक्टर रहता है वो ओसिलेशन करता है, क्योंकि फुल वोल्टेज ना मिलने पर हमारा कॉन्टैक्टर की कोइल अच्छी तरह से एनर्जाइज नहीं हो पाती और स्प्रिंग एक्शन के खिलाफ वो ओसिलेशन करता रहता है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपने सुझाव अवश्य दीजिए। दोस्तों मैंने नई वेबसाइट शुरू की है SSCExamPrep.com, प्लीज़ उस पर भी जाके आप विज़िट कीजिए, वहाँ पे भी हम एक से एक अच्छी जानकारी डालने की कोशिश करेंगे।